हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे चेक करके बताएंगे, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? क्या सभी को आवाज एकदम मस्त तरीके से? एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे चेक करके बताएंगे, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? क्या सभी दोस्तों, सभी को आवाज क्लियर है? एकदम सुपर खूंखार खतरनाक तरीके से आवाज क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गोविंद, रजत, राजवीर, काजल, रमा, अवंतिका, अनुज, यश, सुनील, राजवीर, आदित्य, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एक बार फोन साइड में रख दूं क्या? बस एक मिनट रुक, मतलब एक मिनट नहीं, 30 सेकंड्स रुको, मुझे फोन साइड में रखने दो और अपन चलते हैं एक साईफाई में, एक साइंस फिक्शन में चलते हैं। एक जबरदस्त 30-40 मिनट्स का सेशन रहेगा, मेरे ख्याल 30 मिनट पूरा हो जाना चाहिए, 30 से 40 मिनट उससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक आपको जबरदस्त तरीके से क्रिस्टोफर नोलान जितना तो नहीं, क्रिस्टोफर नोलान तो जीनियस है, उनके जितना नहीं, लेकिन एक साईफाई में लेके चलता हूं आपको। साइंस एंड टेक और स्पेशली इस तरह का टॉपिक जो है, जिस एज ग्रुप में आप बिलोंग करते हैं, और यार ये तो वैसे ही सब टॉपिक स्पेस, अगर आप इंटरस्टेलर मूवी के फैन होंगे, मार्शियन मूवी के फैन होंगे, और 90s के दशक में देखेंगे तो आर्मेगेडन, अगर ये सब पिक्चरों के फैन होंगे तब तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज के टॉपिक स्टार्ट करता हूं दोस्तों, पोस्टर देखिएगा, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करता हूं, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, फटाफट लॉग इन करते जाइए। कैन वी हैव अ स्पेस एलिवेटर? क्या ऐसा संभव है क्या कि स्पेस एलिवेटर, ये सेगमेंट है साइंस एंड टेक दोस्तों, ठीक है? तो क्या ये संभव है कि स्पेस एलिवेटर के बारे में आज पहली बार बात नहीं हो रही है। एक आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, स्पेस एलिवेटर के बारे में काफी वक्त से बात हो रही है। जैसा आप सोच रहे होंगे ना कि पृथ्वी से स्पेस तक जाने के लिए एलिवेटर मतलब जो लिफ्ट होता है, खट 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 खट, यार क्या ऐसा सही में पॉसिबल है क्या? क्या वाकई में ये है एन आइडिया हुज टाइम हैज कम? क्या वाकई में ऐसा है क्या कि स्पेस एलिवेटर वो है जिसका समय आ चुका है? एक ऐसा आइडिया जिसका समय आ चुका है दोस्तों। अब तक के द ब्लू मार्बल, पृथ्वी के लिए हम लोग बोलते हैं द ब्लू मार्बल, तो हमारी पृथ्वी को देखने के लिए या तो आप एस्ट्रोनॉट बन जाइए, मस्त तरह से ऊपर जाइए, या तो आप बिलियनर होने चाहिए भाई, क्योंकि बिलियनर लोग भी आजकल एस्ट्रोनॉट ही हो चुके हैं, नहीं तो जिस तरह से वो लोग जा रहे हैं ऊपर, दोस्तों ध्यान से सुनना ना, बहुत मजा आएगा आपको, मस्त मजा आएगा। तो अभी तक तो यही होता था कि हमारे ब्लू मार्बल को देखने के लिए, हमारी पृथ्वी को देखने के लिए या तो आप एस्ट्रोनॉट होने चाहिए या तो आप बिलियनर होने चाहिए, मस्त लाखों करोड़ डॉलर देने का अगर आप रखते दम तो जाइए मस्त स्पेस में और मस्त तरीके से हमारी पृथ्वी को देखिए। लेकिन अभी लेटली ये हुआ है, पूरी दुनिया में साइंटिफिक कम्युनिटी एंड जितने भी टेक्नोलॉजिकल एंथुजियास्ट्स हैं, जिनको टेक्नोलॉजी से प्यार है, वो जेन्युइनली सोचने लगे, यार ये पॉसिबल है क्या, एक गजब टाइप की लिफ्ट बना दे, एलिवेटर बना दे, जो पृथ्वी से चांद या स्पेस में, कहने का मतलब पृथ्वी से चांद में स्पेस में जाने की क्षमता रखता हो, या चांद से बना दे, क्या कहीं से भी बना दे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्पेस में ट्रेवल करा दे, मजा आ जाएगा यार। या तो खुद ट्रेवल करवा दे या कार्गो बना दे, या तो सामान अगर भेजने के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि अपन इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्ट कर दें? क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना यार तो मजा आ जाएगा दोस्तों। आज की तारीख में यकीन मानिए जेन्युइनली इसके बारे में बात हो रही है, और कई सुपर मटेरियल, CNT बोलते हैं इसे, 90s में जिसकी डिस्कवरी की जापानीज लोगों ने, इसके अलावा ग्रेफीन के बारे में बहुत बात हो रही है, इस ये कार्गो के लिए या फिर इंसान के खुद के जाने के लिए। दोस्तों देखिएगा ना, आप लोगों के लिए, मतलब मैं वैसे भी बहुत प्यार से आप लोगों के लिए PPT बनाता हूँ, आज वाले मैं और ज्यादा प्यार से बनाया हूँ, तो एक बार देखना, आपको नहीं अच्छा लगेगा तो बता देना, डिसलाइक कर देना, कुछ नहीं होता, नहीं अच्छा लगेगा तो, लेकिन मत करना यार, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो फिर उसको लाइक कर देना बाद में, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि खुद जाना है तो, या फिर कार्गो वार्गो को ऊपर भेजना है तो मस्त तरीके से, इस तरह से सुपर तरीके से दोस्तों, इस ग्राफीन को ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम पे इससे बात होगी, पक्के से बात होगी, ध्यान रखिएगा। दो तीन चीजों पे ही बात होगी, एक बात होगी CNT के ऊपर, और एक होगी डायमंड के ऊपर, और एक ग्रेफीन के ऊपर बात होगी, मेरे हिसाब से इन तीन चीजों के ऊपर बात होगी। तो दोस्तों ये बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या ऐसा संभव है क्या कि कोई तो ऐसा एकदम सुपर गजब तरीके से कठोर सब्सटेंस अपन ढूंढ के निकाल लें जिससे इस डिजाइन को बनाया जा सके। दोस्तों इस टॉपिक की शुरुआत करने के पहले आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ। अच्छा ये रहा मैं दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये रहे मेरी प्रोफाइल यूट्यूब में, और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अकेडमी के ऐप पे ये कोड यूज कर सकते हैं ST26 स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए, और इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन वाली क्लास है वो लेने के लिए, ठीक है? आपको पहले छोटी सी बात बोलता हूँ, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मुझे लगता है बोलना चाहिए, कहाँ गया, ओके एक मिनट, ये
दोस्तों देखो ये रही बॉल, ठीक है। अब देखो ये रही, ये मान लेते हैं मैं अपने, मैं अर्थ हूं, ठीक है, ये अपने सैटेलाइट है। अब देखो सैटेलाइट कैसे घूमती है, ऐसे घूमेगी। तो दो चीजें आप पहले समझो, आपको दिखेगा इतना ऐसे नीचे करता हूं, ठीक है। अब आप दो चीजें समझो, क्या होता है जब रॉकेट को आप लॉन्च करते हो ना, तो पृथ्वी, तो देखो क्या हो रहा है, एक ग्रेविटेशनल पुल होता है पृथ्वी का। तो रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं, समझ लो कि आपने लॉन्च किया जुप से, तो होता क्या है, बेसिकली आपको ना पूरी एनर्जी रॉकेट को लॉन्च करने में, लॉन्च में लगाना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लॉन्च पे अपनी पूरी एनर्जी लगाते हो ना, तो जैसे ये मान लेते ये पृथ्वी है, ठीक है, तो जैसे ये रॉकेट ऊपर गया, यहां से ग्रेविटेशनल पुल जो होता है इस रॉकेट को नीचे की तरफ पुल करता है, और एक बार आप यहां पहुंचे तो उसके बाद इसलिए रॉकेट इस तरह से मोशन करता है, और फिर आपको अपनी पूरी एनर्जी घूमने में लगाना है, जैसे राइट। तो यहां पे इस तरह से एनर्जी लगती है। दूसरी चीज, एक चीज होती है इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, एक चीज होती है इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मैं आपको सब चीज दिखा रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट एक बार बताना पड़ेगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मैंने आगे रखा हुआ है, चिंता मत करो, लेकिन एक बार बोल देता हूं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ना देखो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये थोड़ा सा अलग ये रहता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, राइट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या करता है, बेसिकली सैटेलाइट को ना आप माउंट कर देते हो, आप सैटेलाइट को ऊपर लेके जाते हो और ऊपर ले जाके ये यहां पे लगा दिए। अब होता क्या है कि पृथ्वी ऐसे रोटेट तो कर ही रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो होता यह है कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ना, उसी रेट से पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो ऑर्बिट है ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आपने माउंट किया है, वैसा लगता है कि स्टेशनरी है, इसलिए उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहां पे आप जिस सैटेलाइट को माउंट करते हो, वो उसी रेट से घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, जिस रेट से पृथ्वी घूम रही है, तो ऐसा लगता है कि ये अपनी जगह पे फिक्स्ड स्टेशनरी है, ठीक है जी। चलो अब आगे चलता हूं, तो जियो स्टेशनरी वर्ड एक बार बस मुझे बताना था, अब उसके बाद अब आप देखो, अब आपको मैं हर एक चीज दिखाता हूं, अब आपको मजा आएगा, ठीक है जी। चलो कोई आ जाए यार, सबसे पहले कंसेप्ट को समझे, क्या है पूरा कंसेप्ट जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। दोस्तों जो आप समझ रहे हो एग्जैक्टली वही है, कंसेप्ट यही है कि क्या ऐसा एक एलिवेटर बनाया जा सकता है, ये रही पृथ्वी, ये रहा वो एलिवेटर, क्या ऐसा एलिवेटर बनाया जा सकता है, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है क्या कि एक सुपर तरीके से, जो पहले के जमाने में, आज भी यार पहले क्या, जो एक जो साइंटिफिक्स, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं या स्पेस एंथुजियास्ट हैं या साईफाई के राइटर्स, वो लोग ऐसे पिक्चर में नहीं दिखाते यार कि इंसान यार स्वर्ग से ऊपर चला गया, भाई साहब ये सब तो सपना ही जैसा रहता है, नहीं, हर एक इंसान का ना ड्रीम रहता है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी, स्पेस एंथुजियास्ट का, साईफाई लवर्स का ड्रीम रहता है यार ऐसे कोई चीज हो कि यार मैं कॉस्मोस तक पहुंच जाऊं, मैं ना चांद तारे तक पहुंच जाऊं, यहां तक पहुंच जाऊं, हेवन को क्रॉस कर दूं, यार मजा आ जाएगा, ऐसा कोई, ऐसी कोई चीज पॉसिबल है क्या? दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है, टफ है, स्पेस में आपको पहुंचना इतना आसान, इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन अभी इस बीच में ये हुआ, आज से कई साल पहले की बात है, एक व्यक्ति थे दोस्तों, उनके दिमाग में आइडिया आया कि यार एक बात बताओ, जब ये आईफिल टावर बनाया गया है, आईफिल टावर कितना ऊंचा है, मेरे ख्याल 300 मीटर के आसपास है, और उसके एंटीने वगैरह को देखोगे तो 24-25 मीटर और है, तो 325 मीटर ले लो। तो दोस्तों आज से कई साल पहले एक रशिया के एक साइंटिस्ट को एक आइडिया आया, उन्होंने ये कहा कि एक बात बताओ यार, अगर आईफिल टावर बनाया जा सकता है तो उसी तरह से उस टावर को और ऊंचे नहीं कर सकते हम लोग। दोस्तों रशिया के जो साइंटिस्ट हैं मिस्टर कॉन्स्टेंटीन, 1895 में इन साहब को लगा, जब आईफिल टावर 300-325 मीटर, एंटीने को लेंगे तो मेरे ख्याल से 25 मीटर करीब और है, 24-25 मीटर और है, चलो 325 मीटर भी लेके चलते हो, तो 300-325 मीटर जब आईफिल टावर है, तो इसी तरह से और ऊंचा करते 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 कि अपन ऐसा टावर नहीं बना सकते क्या कि स्पेस तक हम पहुंच जाए और स्पेस में आना जाना एकदम आसान हो जाए। मतलब ये रही पृथ्वी और ये रहा वो टावर, और यहां पर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। दोस्तों इस तरह से क्या है, पॉसिबल नहीं है क्या? ऐसा भी तो पॉसिबल होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, तो ये जियो स्टेशनरी, अच्छा तो ये मैं जिस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कुल मिला के आपको समझ में, इसलिए बता रहा हूं, ये आईफिल टावर के डिस्टेंस, आईफिल टावर की ऊंचाई तो 300-325 मीटर है, ये जो मैं डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, तकरीबन 35,000 किलोमीटर के बारे में बात कर रहा हूं।
35,000 किलोमीटर अगर मान लेते हैं, मैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया तो कितना हो गया, 170, अच्छा 100, हाँ ठीक है 170, 24 घंटे 7 दिन करीब लगे, एक हफ्ते में पहुंच जाएंगे ऊपर, है ना, 35,000 किलोमीटर और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, 7 दिन में पहुंच जाएंगे, ठीक है, कंबरसम जर्नी है लेकिन मजा आ जाएगा नहीं। तो दोस्तों आज से इतने साल पहले, अब देखो कंसेप्ट इसका देखना क्या है, तो हम लोग अगर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है दोस्तों, अब यहां पे एक आपने सैटेलाइट को माउंट कर दिया, यहां पे आप देख रहे हैं ये रहा स्ट्रक्चर, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंकर, ये रहा एंकर, इस एंकर के वेट को ऊपर उस मेजर करने वाला काउंटर वेट कहलाता है, और ये ना जैसे टाइट खींची हुई रस्सी, इसको टेथर बोलते हैं, और यहां से जो आपका सैटेलाइट है, जो भी बॉडी है, इसको अभी तो क्लाइंबर बोलते हैं आजकल, तो अभी तो क्लाइंबर नाम रखे हैं, ट्रेन बोल दो, क्लाइंबर बोल दो, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, तो ये खटाखट खटाखट ट्रेवल करेगा। सर कैसे ट्रेवल करेगा, कुछ ऐसा ट्रेवल करेगा दोस्तों जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप एक मस्त तरीके से एंकर डाले तो पृथ्वी पे, जहां पे दोस्तों ये मोर और लेस वही कंसेप्ट है जो इन्होंने 1895 में सोचा था, लेकिन अब तक उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया था, अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी इससे बात बहुत सीरियसली चल रही है। तो कुल मिला के एक एंकर स्टेशन वो रहेगा जो अभी तो बोल रहे हैं कि पृथ्वी पे रहेगा, लेकिन नासा बोल रही है कि अपन काम करते हैं चांद पे करते हैं, क्योंकि हमको पता चलेगा कि हमको किस स्ट्रेंथ का मटेरियल चाहिए, थोड़ी देर के लिए मैं आप पृथ्वी समझ के रखते हैं। तो इस तरह से तो ऐसा काम करेगा, देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से काम करेगा। तो ये जो आपने पृथ्वी में बनाया, ये रहा एंकर, ये रहा आपने स्पेस में इस तरह से आपने माउंट किया, ये रहा काउंटर वेट, और ये जो एकदम टाइट रस्सी, ये मैंने नहीं बनाया दोस्तों, इसको मैंने लिया हुआ है, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, ये मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इसको गूगल से निकाला है, और तो मैं पिक्चर कर्टसी, ये क्या बोलेंगे, तो जिफ कर्टसी देता हूं पहले। तो ये रहा, ये यहां पे मान लीजिए पृथ्वी है, यहां पे आपने एंकर बनाया, और ये रहा आपका स्ट्रक्चर जो काउंटर वेट है, और ये जो टाइट खींची हुई रस्सी है ना दोस्तों, ये है क्लाइंब, ये है आपका टेथर, और ये जो चीज, ये देखिए ये जो बॉडी जा रही है, ये है क्लाइंबर, इसमें आप मैं हम सब बैठ के जाएंगे। मतलब यार कल को ऐसा हुआ, आज से 10-11 साल में आप लोग मान लो आप यू विल गेट मैरिड, तो कुल मिला कैसा हो, राजवीर राजवीर की शादी हो रही है, तो हम लोग पूछे कहां है, राजवीर की मम्मी से पूछे राजवीर कहां है जी, आंटी जी राजवीर कहां है, राजवीर तो बेटा वो अभी आज करवा चौथ है ना, हाँ तो राजवीर की वाइफ और राजवीर ना वो व्रत तोड़ने के लिए चांद पे चले गए, चांद पे चले गए, कैसे चांद पे चले गए, मतलब यार इतना फेस्टिवल को इतना सीरियसली लेना दोस्तों तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि लोग करवा चौथ तोड़ने ना सीधा ऐसे जाएंगे चांद पे जाके, सीधा आमने सामने से चांद को देख के करवा चौथ तोड़ रहे, एकदम खतरनाक हो जाएगा यार, ऐसा होता नहीं, एकदम बहुत खतरनाक हो जाएगा, इमेजिन करके देखो ना, बहुत मस्त हो जाएगा। अब देखो आप सोच के देखो, मोर और लेस ना पिछले 100 साल से यही बात हो रही है, तो 100 साल से अगर यही बात हो रही है तो इसमें क्या क्या चाहिए, आप देखो ये चाहिए कि मैं देखो यार, मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, आप में से बहुत सारे लोग मैकेनिकल और सिविल वाले होंगे, कोई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो जितनी आप ऊंची बिल्डिंग सख्त एकदम कंस्ट्रक्ट करोगे उतना आपका बेस सख्त होना चाहिए, बड़ा कर देता है राइट, और स्ट्रेस पे डिपेंड करता है नहीं। तो पहली चीज ये है कि 35,000 किलोमीटर की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली चीज जो उसका बेस है उतना स्ट्रांग इनफ होना चाहिए राइट। दूसरी चीज, पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, तो ये आपने जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट माउंट किया ये ना हो कि टूट जाए। दूसरी चीज, जिस काउंटर वेट पे आप उसको माउंट कर रहे हो वो क्या है, एस्ट्रॉइड है, क्या है, कहां पे माउंट कर रहे हो। तीसरी चीज, ये जो आप टेथर बना रहे हो, इस टेथर का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ये टेथर टूट टूटा तो नहीं जाएगा, पता चला लटकेगा हवा में, हम लोग खुद सैटेलाइट बनकर घूम रहे हैं। तो दोस्तों अब यही सब चीजों पर बात हो रही है कि ऐसा क्या मटेरियल अपन लोग यूज कर सकते हैं, और इसीलिए जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि काम करो ना, ये स्टेशन जो आप बना रहे हो ना, ये इक्वेटर के आसपास बनाओ। इक्वेटर के आसपास आप बनाओगे ना तो होता क्या है कि वहां पे ना स्टेबिलिटी ज्यादा होती है माहौल में, और इसलिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आज के टाइम पे दोस्तों नासा भी इस पे काम कर रहे हैं, जापान भी और चाइना भी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जापान ने अल्टीमेटम दे दिया कि 2050 तक ये सक्सेसफुल हो जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान किस हद तक सीरियस इस चीज के लिए। जापान ने बोला कि 2050 तक ये चीज संभव है। जापान की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी दोस्तों, उसका नाम है ओबायाशी कॉरपोरेशन। तो ये एक इनकी यूनिवर्सिटी है जापान की, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये बोला कि 2050 तक ये बिल्कुल संभव है। तकरीबन 90 से 100 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट लगाया है इन्होंने। ऑलरेडी जो इसका छोटा वर्जन है, मिनिएचर जिसको बोलते हैं, उस मिनिएचर वर्जन में ऑलरेडी ट्रायल करना शुरू कर दिया।
दोस्तों जो इनकी यूनिवर्सिटी इनके जापान में वो शिज़ोकू यूनिवर्सिटी इनके साथ मिलके ऑलरेडी इस तरह के मिनिएचर वर्जन में ट्रायल वगैरह सब करना शुरू कर दिया है गजब तरीके से। मतलब बेसिकली एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझूं, अगर मान लेते मैं ये बिल्डिंग बना देता यहां पे, तो बिल्डिंग के अंदर जैसे लिफ्ट काम करती है लिटरली वैसे काम करेगी। बस ये चीज है कि उसी लिफ्ट को आप स्पेस में लेकर चलेगा। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब आने वाले टाइम पे ना किसी दिन किसी से नाराज हो जाओगे तो बोलेगा मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, कोई मुझको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं मार्स से होके आया। मार्स से होके इतना क्या नाराज हो यार सर, बहुत ज्यादा गुस्सा आया था मैं सर, जिस दिन मैं बहुत ज्यादा गुस्सा आता हूं मैं जुपिटर उपिटर तो चला जाता हूं मैं। दोस्तों ये ना हम लोग आने वाले टाइम पे इस तरह से सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। तो ये खट्टाक से यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा एंकर, ये रहा काउंटरवेट, काउंटरवेट यहाँ दिख नहीं रहा है, इधर ऊपर की तरफ काउंटरवेट आ जाए, ये रहा काउंटरवेट आ गया आपका, ये रहा टेथर और ये रहा क्लाइंबर। तो कंसेप्ट वही है, चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये सारी की सारी चार चीजें दोस्तों इस तरह से बना हुआ, ठीक है। कुल मिला के अगर आप इसमें देखेंगे तो कोई रॉकेट शॉकेट नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं, जियो स्टेशनरी पे आपने माउंट किया हुआ है बेसिकली, और यहाँ पे कोई भी मतलब यू नो वो कोई उड़ने उड़ाने वाली चीज नहीं है, एकदम आराम से। ऐसा अभी जो बात हो रही है वो आपको बताया था, अभी तो ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेवल करेगी ना बॉडी, ये जो ट्रेवल करेगा इसकी स्पीड तकरीबन 200 किलोमीटर पर आर के आसपास रहेगी। ये जो बॉडी ट्रेवल की है ना इसकी स्पीड रहेगी तकरीबन 200 किलोमीटर पर आर के आसपास। 200 किलोमीटर पर आर 35,000 किलोमीटर के आसपास की जर्नी आप ट्रेवल करोगे, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे आपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे आपने माउंट किया सैटेलाइट को, तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 7 दिन लगेगा ट्रेवल करने पर। अभी के हिसाब से, अभी के एस्टिमेट के हिसाब से 7 दिन करीब लगेगा। देखते हैं जैसा भी रहेगा आपको मजा आएगा। कुल मिला के यहां तक सभी को सुपर तरीके से मजा आया, यहां तक सभी को मजा आया जी। अब आइए दोस्तों स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों। अब स्पेस इंडस्ट्री यहां पे डिस्कशन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैंने आपको बताया दोस्तों 35,000 किलोमीटर ऊपर के बारे में बात करें, 35 से 36,000 एक्चुअली बोला है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो आपका 36,000 किलोमीटर पे आता है, और अगर आप 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भी जा रहे हो तकरीबन 7 दिन मान लीजिए, तो एक हफ्ते करीब लगेंगे आराम से मस्त बैठे जुब जाप पहुंच गए बढ़िया से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्यों स्पेस इंडस्ट्रीज को अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया मानते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इट्स वन हेक ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया, इसमें कोई बात ही नहीं है। पहले आप ये समझिए रिवॉल्यूशनरी किस कॉन्टेक्स्ट में है। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आज के टाइम पे जब आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट को जब लॉन्च करते हो तो पूरी एनर्जी लॉन्चिंग में लगाई जाती है, क्योंकि एक बार ऐसे जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ तो रॉकेट कुछ ना दोस्तों जैसे लॉन्च होता है ना तो एक बस एक ड्रैग होता है, मतलब पृथ्वी ग्रेविटेशनल पुल उसको खींच रहा हो, तो अगेंस्ट द पुल आप जा रहे हो। जैसे आप अगेंस्ट द पुल जा रहे हो तो आपको बेसिकली ऑर्बिट तक पहुंचना होता है, और उसके बाद क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पृथ्वी का आपको घुमाएगा, मतलब आपको जियो ग्रेविटेशनल पुल आपको खींचेगा। जैसे कि आप वो यार रस्सी बांध के अपन ऐसे नहीं करते थे कैसे घुमाते रहते थे, तो जैसे मान लो कि आप ऐसे रस्सी बांध के घुमा रहे हो, एक कीड़ा है उस रस्सी पे चढ़ते 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 टॉप पे पहुंच गया, बस वहीं तक ही पहुंचना है। उसके बाद फिर आपको बेसिकली पृथ्वी का पुल जो खींच रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है आपको, और यहां से आपने मस्त प्रोपेलेंट वगैरह रखा हुआ, आप जुब जब जुब स्पीड मार रहे हो और आप अपने आप गोल 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 घूमते जा रहे हो। बेसिकली इसी कंसेप्ट पे काम करता है, राइट। तो रॉकेट को आज के टाइम पे भेजना ना दोस्तों ये महंगा काम है। दूसरी चीज ये है, चलो अभी तो फिर भी स्पेसएक्स जो एलन मस्क साहब की जो कंपनी, वो तो रीयूजेबल रॉकेट रॉकेट्स को ले आए हैं, इसके पहले तक रीयूजेबल रॉकेट्स नहीं थे। दूसरी बात, कई बार रॉकेट्स एक्सप्लोड कर जाते थे, तो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव काम है दोस्तों, इतना आसान नहीं रहता है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सारे एरोस्पेस इंजीनियर्स अगर जो है जो जितने भी वो भी वैसे सोच रहे एकदम साईफाई टाइप का सोच रहे हैं कि भाई अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी है, अगर अपन थोड़ा सा कुछ गजब टाइप से कर पाए और ये स्पेस शटल मिशन को कामयाब कर पाए, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी स्पेस शटल मिशन है ना ये काफी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। कितने एक्सपेंसिव है सर, मतलब जो आप बोल रहे कि एक्सपेंसिव है लिमिटेशंस हैं कि कितने एक्सपेंसिव है। दोस्तों आप मुझे बोलोगे सर रीयूजेबल रॉकेट्स आ गए तो अभी उतने एक्सपेंसिव नहीं रहे। देखो जी रीयूजेबल रॉकेट्स के आने के बाद से भी चलो मोटा मोटा 100 मिशन तो कम से कम हो ही गए, राइट, अलग अलग जगहों पे। स्टिल अगर आप ऑन एन एवरेज प्राइस टैग को कंपेयर करेंगे तो आपको पर केजी पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाने स्पेस में ले जाने में तकरीबन $22,000 के आसपास लगता है पर केजी। मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं पूरी एनर्जी यहीं पे लगती है ना, मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं अगर ये स्पेस एलिवेटर सक्सेसफुल हो जाता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कॉस्टिंग इतनी कम हो जाएगी कि 200 से 500, कुछ लोगों का तो 500 से कम कहना है, तो 220 से 880 चलो 200-800 ले लो, $1,000 ले लो, मतलब पर केजी आपकी कॉस्टिंग इतनी हो जाएगी दोस्तों। जिस तरह से जापान ने बोला है कि 2050 तक तो भाई साहब आपको सक्सेसफुल होते हुए दिखेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों मैंने आपको ग्रेफीन का नाम बोला है, मैंने आपको डायमंड का नाम बोला, सीएनटी का नाम बोला, सीएनटी मतलब होता है कार्बन नैनोट्यूब्स।
कार्बन नैनो ट्यूब्स भी जापान ने डिस्कवर किया था। तो आने वाले टाइम में ना इन्हीं चीजों पे बात होने वाली है। दूसरी चीज, एक ऐसे ऐसे मतलब फन के लिए एक चीज बोलता हूँ, मतलब ये मेरा पॉइंट सिर्फ नहीं है, कुछ कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें एक उन्होंने अच्छी लाइन बोली थी, मुझे अच्छा लगा तो रख दिया। और उन्होंने ये कई ऐसे एडवेंचर्स लोगों का कहना ये। और एक और चीज है, क्या है जी, मान लेते पृथ्वी में कुछ अचानक भयानक हमला हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब ऐसा हुआ कि दो देश न्यूक्लियर वॉर पर चले गए, कोई और एलियन वेलियन ने हमला कर दिए, तो कुछ ऐसा हुआ तो हमारे हमको ना एस्केप रूट भी मिल जाएगा, हम यहाँ से भाग जाएंगे मस्त टाइप से। तो ठीक है, एक मतलब एक फनी सेंस में मुझे अच्छा लगा, एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर के जैसा लगा कि मतलब सोचो ना आप कितना गजब हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ हमला हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रही है, भाई साहब मैं तो चला, कहाँ जा रहे हैं, वो मैं चला मार्स पे रहने, मैं चला दूसरे प्लैनेट पे रहने। तो मतलब एक बहुत भयंकर कैटाक्लिज्मिक इवेंट अगर हो जाए तो हु नोस यार, एक आपको बहुत गजब का ना अनबिलीवेबल एस्केप रूट मिल जाए। गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, जस्ट एक बात आपको बता रहा हूँ, मुझे एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसलिए क्योंकि इस तरह की चीज अपन आर्मेगेडन वगैरह पिक्चरों में देखते थे 90s के दशक में, तो बहुत वो मतलब मजा आता था ये सब देख के कि यार पृथ्वी छोड़ के चला गया बंदा, यार हद मचा दी है इसने, तो ऐसा टाइप से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट जो आता है ये आइडिया, इस आइडिया के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ये आइडिया अपने आप में नया नहीं है, ये आइडिया फ्यूचरिस्टिक है, अग्रीड, फ्यूचरिस्टिक होते हुए भी पुराना आइडिया है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया लेकिन पुराना आइडिया है, तो ये एक ओल्ड हाँ लेकिन फ्यूचरिस्टिक और इंडीड रिवोल्यूशनरी आइडिया है। काफी सारे मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स बोल दिया लेकिन सही बात है, ओल्ड आइडिया इसलिए दोस्तों ये आइडिया ना आज का नहीं है, ये आइडिया 1895 का है। जिन साहब को आप देख रहे हैं ये बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट रहे रशिया के दोस्तों, ये है मिस्टर कॉन्स्टेंटीन। तो ये सोवियत ये मतलब क्या नाम है इनका, सोवियत, वही रशिया जो है उस जमाने का सोवियत रूस, उसके दोस्तों बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे। तो 1895 में इन साहब ने बोला कि क्या ये संभव है, जैसा आईफिल टावर आप बनाया है आपने मतलब इंसानों ने, इसी तरह से ये पॉसिबल है क्या कि अपन एक स्पेस एलिवेटर बना दे। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन उस वक्त पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना था नहीं कि आप ये कॉन्सेप्ट लगा सको। चार चीजें मैंने आपको बोला, जहां पे आप एंकर मतलब जहां पे होल्ड कर रहे हो, ऊपर उसका काउंटर वेट आप मेजर कर रहे हो, जो बॉडी ट्रेवल कर रही है और जिस रस्सी पे ट्रेवल कर रही है वो टेथर है, जो बॉडी ट्रेवल कर रही है वो क्लाइंबर, ये चार ही चीजों से मिलकर बना हुआ, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ और अपने को देखना होगा, राइट। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे आईफिल टावर बन सकता है तो फिर क्या इस तरह की चीजें बन सकती हैं क्या जी। तो ये बात हुई थी 1895 में, बेसिक कॉन्सेप्ट मोर और लेस आज भी इतना ही है। दोस्तों हुआ क्या, फिर इसके कई सालों के बाद की बात है। अब होता यह है कि रशिया के ही एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था मिस्टर यूरी। अब दोस्तों यूरी साहब ये बोलते हैं, ये 1960 के आसपास की बात है, ये साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल इसका प्रैक्टिकल वर्जन एग्जीक्यूटेबल है, पॉसिबल है। इन साहब ने इसी का नाम दिया था उस जमाने में इलेक्ट्रिक ट्रेन। मतलब मैं इमेजिन कर रहा था, ये तो मैं ऐसे फन के लिए डाल दिया, मुझे ऐसे मन कर रहा था, तो मतलब मैं इमेजिन कर रहा था कि अपन ट्रेन में बैठे हैं, कहां जा रहे भाई, ये मार्स जा रहे हैं, वो आगे जाकर राइट लेके फिर ऊपर निकल जाऊंगा मैं। ऊपर कैसे निकल जाओगे यार तो आने वाले टाइम में ये सब अपन को देखने को मिल सकता है 2050 तक के, बहुत मजा आएगा। मैं इसके पहले रिलेटिव स्पीड पढ़ाता था तो मुझे याद है मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक क्वेश्चन कराता था कि ट्रेन ऐसे थोड़ी उड़ जाएगी यार, लगता है क्वेश्चन हटाना पड़ेगा मुझे, नहीं हो सकता है टाइम पे उड़ जाए, लिटरली मतलब नहीं है इसका, इलेक्ट्रिक ट्रेन का मतलब ये नहीं है, लेकिन जब हाइपरलूप के बारे में बात हो सकती है तो उसके बारे में बात होना तो बनता है यार, नहीं तो। दोस्तों इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक ट्रेन टू कॉस्मोस, ये तो मजेदार चीज है यार, मस्त मजा आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक मस्त टाइप से सैटेलाइट को माउंट करेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जीएसओ बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को शॉर्ट में बोलते हैं जीएसओ, कभी अगर जीएसओ लिखा हो तो आपको बता रहा हूं, तो उसको जीएसओ बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। दोस्तों अभी फिर क्या हुआ, ये वो चारों चीजों का जैसे मैंने आपको बताया, एंकर बताया, ये आपका काउंटर वेट बताया, टेथर बताया, और जो ट्रेवल कर रहा है क्लाइंबर बताया, क्लाइंबर का नाम जो भी रख लो, इलेक्ट्रिक ट्रेन रख लो, कुछ भी रख लो। दोस्तों क्या हुआ ना, लेटली अमेरिका का इंटरेस्ट इस पर डेवलप होना शुरू हुआ, ये 1966 की बात है। दोस्तों देखिए एक समय पे ना 1960s और 70s ये वो टाइम था जब यूएसएसआर और अमेरिका जो यूएस जो है इनका ना स्पेस वॉर बहुत चल रहा था। तो 1960s लेट 60s बोलना चाहिए, 66 के आसपास अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होता है, इसका नाम अमेरिका बार बार यूज करता है स्काई हुक, ऐसा हुक जैसा, ठीक है। तो स्काई हुक नाम रखा, ये अमेरिका का दिया हुआ नाम है स्काई हुक। अभी इतना सीरियसली इसको तो नहीं देख रहा अमेरिका, लेकिन हाँ वो लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं कि यार एकदम से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, शायद इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर पॉसिबल ना हो, इतने बड़े एंकर और इतना बड़ा काउंटर वेट पॉसिबल ना हो, हो सकता है इतना टेथर करने के लिए उस क्वालिटी का हमको सब्सटेंस ना मिले, उस क्वालिटी का मटेरियल ना मिले, तो हो सकता है इट विल टेक टाइम। बट हाँ देखिए दोस्तों क्या होता है, ये जो मैं आइडिया आपको बोला, इस दुनिया में सबसे पावरफुल होता है ना आइडिया उस टाइम इज कम, राइट।
इस दुनिया में सबसे ताकतवर है वो आइडिया जिसका समय आ चुका है। तो इस जो मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ स्पेस एलिवेटर के बारे में, इसके बारे में पिछले 100 साल से ना कभी बात होती आई है, मतलब इसके लिए इंटरेस्ट ना कभी बढ़ता रहा कभी घटता रहा है। ये डिपेंड करता है दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना हुआ है, आपकी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी किस हद तक डेवलप हो चुकी है। आज के टाइम पे जिस तरह से आउटस्टैंडिंगली आउटलैंडिशली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, इसलिए दोबारा इसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने बताया, भूलिएगा मत, जापान ने बोल दिया 2050 तक ये पॉसिबल है। दोस्तों फिर भी यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, दोस्तों आज से इतने साल पहले की बात है जब इन्होंने बोला, ये बेसिकली सेलेस्टियल कासल के बारे में बात की, राइट। सेलेस्टियल कॉन्स्टेंटीन साहब ने बोला कि एक सेलेस्टियल कासल बनाते हैं, मतलब एक ऐसा भयानक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपको पृथ्वी से स्पेस तक लेकर चला जाएगा, ठीक है। उस जमाने में जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी, जो प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, उस जमाने में संभव नहीं था इस चीज को क्रिएट करना, राइट। इन थियरी अ स्पेस एलिवेटर इज हाईली प्लॉजिबल, ये आज की सच्चाई है। दोस्तों ये जापानीज व्यक्ति ही है, मिस्टर योजी इशिकावा, हाँ जी, योजी इशिकावा जो है, इन्होंने ये स्टेटमेंट आज नहीं 2018 में दिया, से 3 साल पहले। तो योजी इशिकावा ने बोला, आज जिस दौर में आप और हम हैं, इस वक्त जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, हो सकता है ये संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस ट्रेवल आने वाले वक्त में पॉसिबल है। जापान ने बकायदा इसके लिए डेडलाइन सेट किया है, लेकिन जापान का काफी हद तक कहना है कि 2050 तक हो सकता है। आप ये देखें कि स्पेस ट्रेवल काफी कॉमन हो चुका है दोस्तों। हालांकि नासा ने भी इसी तरह की बात की, लेकिन नासा ने टाइमलाइन सेट नहीं किया, डेडलाइन सेट नहीं किया अभी। रिक्वायर द सेंटर ऑफ मास टू बी इन द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये स्टेटमेंट नासा का कि ठीक है, वो तो सेंटर ऑफ मास जियो स्टेशनरी पर रखेंगे, तो मैं आपको बताया ही 36,000 किलोमीटर के बारे में बात करें, वो सब तो खैर है ही। तो नासा कहना ये कि इक्वेटोरियल बेस यूज करेंगे, वहां पे क्या होगा, मौसम का प्रभाव अगर कम पड़ेगा तो जो टेथर जिससे कर रहे हो, वो जो लाइन आप यूज कर रहे हो, उस पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में जापान का कहना तो ये कि ये जो टेथर जिसको मैं बता रहा था, आने वाले वक्त में जापान का कहना यह है कि आपको ना सबसे पहले नासा ने यह कहा कि आप यह देख सकते हो कि आने वाले वक्त में शायद कुछ वक्त में ऐसा दिखे कि आप ना 4 से 6 एलिवेटर्स बनाए इस तरह से हम लोग, उसके बाद किसी रोबोट को भेजे, और उसके फिर 10-15 साल के अंदर अंदर ना इंसान भी ट्रेवल करना शुरू कर देगा। ऐसा एक मस्ट टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हीकल बनाएंगे जो इसके थ्रू खट 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 इस तरह से ट्रेवल करेगा। आने वाला टाइम गजब इंटरेस्टिंग नहीं लगता सुन के, भयंकर लगता है, हाइपर लूप इधर बन चुका है, इधर ये सब, मतलब गजब लगता है, इंटर गैलेक्सी अपन ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं सोच के तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, मैं थ्रिलिंग लगता है टाइम सब सोच के। दोस्तों आज के टाइम पे जिसके ऊपर बात हो रही है वो है कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब्स भी जापान ने ही लाया था, 90s के दशक की बात है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स का ना दोस्तों स्ट्रेस जो होता है, मतलब अच्छा खासा दबाव झेल सकता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हीकल आप यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये जो टेथरिंग के लिए जो बनाएंगे या फिर जो भी व्हीकल्स अगर हम यूज करेंगे, तो वहां पे ना काफी बात हो रही है कि CNT, इसको CNT बोलते हैं शॉर्ट में, इसी को CNT बोलते हैं, CNT कार्बन नैनो ट्यूब्स बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है ना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके अलावा डायमंड के ऊपर और ग्रेफीन, इन तीन चीजों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तीन तरह। और ऊपर जो काउंटर वेट रखेंगे वो देखते हैं एस्ट्रॉइड पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, लेकिन अभी तो सारे वो पॉसिबिलिटीज खुली हुई है। ज्यादातर जगहों पे एस्ट्रॉइड में देख रहा था, इसलिए मैंने एस्ट्रॉइड यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एस्ट्रॉइड के ऊपर मैंने, मतलब ज्यादातर जगह मैंने देखा कि एस्ट्रॉइड की ओर बात कर रहे हैं करके। जैपनीज इन्वेस्टर्स जेन्युइनली बहुत सीरियस दोस्तों इस पे, और जैपनीज इन्वेस्टर्स को आप देखेंगे तो वो जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं, मिनिएचर वगैरह बना के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों CNT जो है, कार्बन नैनो ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है, ये भी जापान ही लाया था, 91 की बात है, CNT जो जापान ही लाया था, और जापान को आज भी CNT पे बहुत भरोसा है। जापान को ऐसा लगता है कि CNT को यूज करके, कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि अब यहां से एंकर लो, मस्त तरीके से टेथर करो, ऊपर एक बढ़िया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को यूज करो, यहां से सैटेलाइट में उधर आप काउंटर वेट लगा दो, और यहां से मस्त तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हीकल, कुछ भी बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हीकल बोल दो, हुक बोल दो, आप ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन को जो बोलना बोल दो, आप मस्त तरीके से क्लाइंबर बोल दो, बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है, Who are working on the space elevator? हाँ, ये अपने को जानना जरूरी है। आज के टाइम पे काम कौन कर रहा है इस पे? तो दोस्तों दुनिया के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो जेन्युइनली इस पे काम कर रहे हैं, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है गूगल एक्स। तो दोस्तों गूगल एक्स क्या हुआ, दोस्तों जैसे गूगल एक्स अभी जेन्युइनली इस पे काम कर रही, ध्यान रखिएगा, स्पेस एलिवेटर पे। इसके अलावा क्या हुआ, नासा ने अभी थोड़े वक्त पहले की बात है इंसेंटिवाइज किया था कि ऐसे बताओ, चलो लाओ अपना अपना डिजाइन लेके आओ, आप इंसेंटिव मिलेंगे, आपको ये प्राइज मिलेगा, वो प्राइज मिलेगा, किस चीज के लिए, अगर आप ये बताते हो कि जो स्पेस एलिवेटर का डिजाइन कैसे बनाएंगे। दोस्तों अगर आपने टेडेक्स का एक वीडियो देखा होगा, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। दोस्तों ये टेडेक्स का जो वीडियो है मिस्टर मार्कस लैंडग्राफ का,
मार्कस लैंडग्राफ साहब का ये टेडेक्स का वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, देखिएगा इस वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो है, जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे मार्कस लैंडग्राफ का ये वीडियो है, ये एक मिशन एनालिस्ट है, इन्होंने ये बताया, इन्होंने बकाया तो ये बताया यूरोपियन स्पेस एजेंसी में कि यार ये डेफिनेटली पॉसिबल है, और ये स्पेस एलिवेटर जो है ना आने वाले टाइम पे आप देखिएगा जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि हम बिल्ड कर जाएंगे। दोस्तों इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसी बात को बोला है कि यार ये चीज ना पॉसिबल तो है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो दुनिया के काफी सारे लोग, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला, काफी बार बोल दिया कि जापान तो बकायदा काउंट कर रहा है, जापान की इतनी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है ओबायाशी ने तो बकायदा बता दिया कि 2050 तक के स्पेस एलिवेटर रियलिस्टिक हो चुके होंगे, मतलब बन जाएंगे स्पेस एलिवेटर जो है, और जो अर्थ है ना, अर्थ में आपको कई जगहों पे उसके पोर्ट्स मिलेंगे, जो एंकर है वो पृथ्वी के जो ओशन है, समुद्र है, वहां पे हम लोग एंकरिंग करेंगे, यहां तक के बोलना शुरू कर दिया जापान ने अपने आप में। देखिए दोस्तों ये जो ओबायाशी है जापान का भयंकर बड़ा कॉर्पोरेशन है, भयंकर पैसा और भयंकर पावर, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ पैसा और पावर हो जाएगा, लेकिन काफी मतलब पैसा रखते हैं लोग, ठीक है दोस्तों। और बकायदा जापान के स्पेस एलिवेटर एसोसिएशन भी इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। नासा ने बोला कि ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो क्या हो गया अगर मान लो यहां से कुछ कट-कुट गया है ना, कुछ हो गया, तो फिर ये चीज अपने आप में एक सैटेलाइट बन के स्पेस में घूमता रहेगा, तो स्पेस में जो कचरा होता है, घर में कचरा हो जाता है, झाड़ू लगा दी, स्पेस में कौन झाड़ू लगाएगा, तो जो स्पेस में कचरा वो घूम रहा है, आने वाले टाइम पे लड़ाई इसी की होने वाली है, इसको स्पेस डेब्री बोलते हैं, DEBRIS लिखते हैं, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डेब्री होता है, तो स्पेस डेब्री ना बहुत ज्यादा हो गया आने वाले टाइम पे, तो अगर ये मान लेते कट कूट गया तो स्पेस डेब्री फिर बन जाएगा। तो दोस्तों नासा ने बोला कि यार अपन काम करते हैं जो लिफ्ट पोर्ट वाले बोलते ना, तो लिफ्ट पोर्ट का जो अपन काम कर रहे हैं, हम लोग एक काम ऐसा करते हैं, हम लोग पृथ्वी की जगह चांद पे करके देखते हैं, क्योंकि चांद पे करेंगे तो वहां पे कंपैरेटिवली हमको कम स्ट्रेंथ है मेटल की, ये जो मटेरियल की कम स्ट्रेंथ है, और हमको एक अंदाजा भी हो जाएगा। तो हम ना स्पेस एलिवेटर तो अपन देखेंगे, लेकिन लूनर एलिवेटर को अपन जरूर देखते हैं, तो अभी नासा उसी लूनर एलिवेटर पर काम कर रहा है, देखते हैं जो भी अपडेट रहेगा फिर मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इसके लास्ट सेगमेंट में आता हूं, जेन्युइनली फिजिबिलिटी कितनी है, ये सारी की सारी चीजें ठीक है, फिजिबल कितना ये बताओ। दोस्तों आज के टाइम पे बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, और काफी वक्त से जो हम लोग साइफाई मूवीज में देखते आ रहे हैं, कैप्सूल ही तो बना रहे हैं ना, एक खट से कैप्सूल, जैसे कि जैसे आपकी बिल्डिंगों में, घरों में, आसपास जो भी आपने लिफ्ट देखा, ऑफिस में लिफ्ट, तो खट 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 ऊपर नीचे ट्रेवल किए, बेसिकली यहां पर भी कैप्सूल बना रहे हैं, स्पेस से बना रहे हैं, बस यही है, अर्थ से लेके ऊपर तक के आप बना रहे हो एक ऐसा कैप्सूल जो क्या कर रहा है, आपको ये पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और रोटेट करे तो उस रोटेशन को सपोर्ट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रेक कर जाए, हैम्पर मतलब हैमर कर जाए, राइट। तो अब ये देखना है कि फिजिबल क्या है, फिजिबिलिटी क्या है इसकी। देखिए दोस्तों अभी जो हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं, देखिए निसंदेह अपने आप में जो मैं बात कर रहा हूं स्पेस एलिवेटर एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज तो है, लेकिन जितने भी आप साइंटिस्टों का ओपिनियन पढ़ेंगे तो जो उन्होंने ये कहा है वो ये है कि जो आप रॉकेट्स अगर हम लॉन्च करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अपने पीक पे पहुंच चुकी है, ऑलरेडी जो हम रॉकेट्स रिलीज करते हैं वो केमिकल्स जो रिलीज करते हैं, इसके अलावा काफी आउटडेटेड है, रिस्की भी है, एनवायरमेंट को भी डैमेज करते हैं, भयंकर एक्सपेंसिव है। जो हम इसके बारे में बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हीकल यूज करके हम ऊपर भेजेंगे, ये अपने आप में कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है, ये सब मैं समझ गया। ये बताओ एलॉन मस्क क्या बोलते हैं, तो दोस्तों ये रहे एलॉन मस्क साहब ने ये बोला, स्पेसएक्स के एलॉन मस्क साहब ने ये कहा, टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, न्यूरालिंक सभी तो यही बना रहे हैं, तो इन्होंने ये कहा कि यार ये मेरे हिसाब से पॉसिबल आइडिया नहीं है। दोस्तों कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि इसका कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं बनता है, कई और लोगों ने ये कहा कि आप एक ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिसका जो प्रॉब्लम ही नॉन एग्जिस्टेंट है। तो बहुत मल्टीपल ओपिनियंस है दोस्तों, है ना, मैं आपको पहले बताता हूं, बहुत मल्टीपल ओपिनियंस है। एलॉन मस्क साहब ने ये बोला कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है, एंड अगर आप मुझसे रियलिस्टिकली पूछें तो मतलब रियली अगर आप मुझसे पूछें तो रियलिस्टिक मुझे नहीं लग रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये स्पेस एलिवेटर के बारे में इस तरह से एलॉन मस्क ने 2015 में बोला। एलॉन मस्क जो है स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, वो सब तो है, स्पेसएक्स के सब कुछ वही है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात ना, वो स्पेस एंथुजियास्ट है, तो उनका हाँ नहीं बोलना मैटर करता। तो उन्होंने ये बोला इससे बेहतर ये होगा आप लॉस एंजलिस से लेकर टोक्यो तक के ना एक ब्रिज बना दो, ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन 2015 में बोला, 2015 में तो आज से 6 साल पहले, हु नोज अभी के टाइम पे चीजें बदल रही है, राइट। दोस्तों कुल मिला के अभी आप देखेंगे, जैसे इन्होंने मिस्टर पीटर स्वान ने क्या कहा, पीटर स्वान ने कहा इट्स अ फिनोमिनल enabling technology that would open up our solar system to humankind. अगर ये possible हुआ तो हमारा पूरा solar system खुल जाएगा, open हो जाएगा।
और इन्हीं साहब ने कहा, मिस्टर पीटर स्वान ने कहा था कि आप देखना आने वाले वक्त में पहले रोबोट्स को हम भेज रहे हैं, उसके 10 से 15 साल के अंदर इंसान ट्रेवल करेंगे, इस पोजीशन पे अपन लोग आ जाएंगे। तो उसमें लिफ्ट पोर्ट के फाउंडर ने भी एग्जैक्टली इस तरह से कहा। लिफ्ट पोर्ट के फाउंडर ने यह कहा कि देखो बड़ी बात यह नहीं कि हम लोग एक चीज अचीव कर पाते हैं कि नहीं, बड़ी बात यह कि जब भी हम लोगों ने इस तरह का मिशन लिया है ना अपने हाथों में ह्यूमन मैनकाइंड ने, इसका जो स्पिन ऑफ्स होते हैं, स्पिन ऑफ्स का मतलब होता है जैसे फ्रेंड शो देखते थे, फ्रेंड शो में से एक कैरेक्टर निकाले थे जोई, जोई का एक अलग से शो बनाया था, उसको स्पिन ऑफ बोलते हैं। मतलब कोई जो भी मेन चीज करने जा रहा है उससे आप निकाल के कुछ और बना, उसको स्पिन ऑफ बोलते हैं। तो स्पिन ऑफ एडवांटेजेस के बहुत सारे निकल के आते हैं। तो ऐसे पास्ट में भी हम लोगों ने देखा है कि स्पिन ऑफ एडवांटेज जो है ना वो बहुत ही वर्दी रहते हैं। आने वाले टाइम पे दोस्तों इन तीन दो तीन चीजों के बारे में बोला कि ध्यान से देखिएगा, जो मटेरियल यूज हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया सीएनटी के बारे में बताया, क्योंकि सीएनटी का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दोस्तों 63 या 65 गीगा पास्कल के आसपास होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी तगड़ा है। इसको बनाया भी जापानीज लोगों ने था 1991 की बात है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों जो डायमंड नैनो थ्रेड्स हैं ये देखिएगा, और इसके अलावा ग्रेफीन, तो देखते हैं दोस्तों कितना कितना पॉसिबल है। आपको आपके लिए फूड फॉर थॉट छोड़ के जाता हूं, और वो ये है, आपको क्या लगता है क्या स्पेस एलिवेटर वो आइडिया है जिसका समय आ चुका है? एन आइडिया उस टाइम हैज कम। यही तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा, एकदम थ्रिलिंग एक्साइटिंग टॉपिक था ये, तो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्या ये संभव है क्या कि स्पेस पे आने वाले टाइम पे मैं यहाँ पे पुटुक से बैठा, पुटुक से ऊपर गया और यहाँ पे बैठ के मस्त लेज लूज खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, मजा आ गया। नीचे देख रहा हूँ पृथ्वी पे कैसे हो भाई, सब लोग ठीक, ऐसा पॉसिबल है क्या, अपन देखेंगे। तो यही था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। दोस्तों मैं पिछला जब वीडियो लिया था चाणक्य की नीति में, उसके पहले एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर फोकस पे एक वीडियो बना दीजिए प्लीज। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जितने भी शाम के लिए मैं आपके लाइव आके वीडियोस ले रहा हूँ, 30 से 40 मिनट का डिस्कशन ले रहा हूँ, ये उन टॉपिक्स पे ले रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में आपको पुश मिलेगा। आज ना एक आपके साथ मैं हाइपर फोकस पे डिस्कस करता हूँ, और मैं जेन्युइनली प्रैक्टिकल चीजों पे बात कर रहा हूँ। मैं आज अपनी तरफ से आपको शाम में 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि एक्सट्रीम फोकस कैसे कर सकते हैं, मतलब बिना ऐसा बहुत डिफिकल्ट बनाए चीजों को हाइपर फोकस आसानी से कैसे कर सकते हैं। आज शाम में मिलेंगे कितने, 6 बजे लिखा है, हाँ 6 बजे मिलेंगे, 8 बजे तो जीआरई वालों की क्लास है, ठीक है दोस्तों। अभी तो अनअकैडमी के ऐप पे मेरी प्लस वालों की क्लास है, 11 बजे आपसे मिलूंगा, 11 नवंबर 11 बजे आज सेकंड लास्ट क्लास है, कल लास्ट क्लास रहेगी। आज अपना वर्ड पावर का सेशन रहेगा, वो कैप का सेशन रहेगा, मस्त तरीके से तैयार रहेगा। और अनअकैडमी जो स्पेशल क्लास होती है उसमें आज जो अपनी स्पेशल क्लास है वो जीआरई वाली है, जरूर से अटेंड कीजिएगा। सर कहाँ पे होती है? अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे, गेट ऐसे में दिखूंगा मैं सौरभ ठाकुर, आप ये फॉलो करके रखना, ये कोड यूज करना, ये कोड आप सब्सक्रिप्शन वाली क्लास एज वेल एज स्पेशल क्लास को अटेंड करने के लिए कर सकते हैं। इस संडे का स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर देना, मुझे नहीं पता आप इसके पहले दिए हो कि नहीं, मतलब सेक्शनल टेस्ट, ये स्कॉलरशिप टेस्ट देने में ही आपको ना 15% का इसमें डिस्काउंट है, उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट जो आप अवेल कर सकते हो। तो ये डेट वगैरह नोट कर लीजिए, इन्वाइट कोड यूज कीजिएगा ST26। दोस्तों अनअकैडमी जो मुझे सबसे खास लगता है वो ये है कि आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, एब्सोल्युटली देयर इज नो लिमिटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे ना स्पेशल क्लास के अलावा ये प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, लाइव क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी की सारी चीजें, पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनल स्ट्रेस एनालिसिस, सारी की सारी चीजें मिलती हैं। मस्त तरीके से ये कोड यूज कीजिए, और एक से एक खूंखार खतरनाक टीचर्स हैं, इनके वीडियोस देखिएगा, यूट्यूब में अवेलेबल है और ऐप में भी अवेलेबल है। तो आपको मन करे तो स्पेशली जो 2023 वाले बच्चे हैं और वो जो 24 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, जो अभी वाले हैं 22 वाले वो ये दोनों देखिएगा, रिविजन में आपको बहुत आसानी होगी। डाउट पूछने के लिए दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे क्वेश्चन को भेज दीजिए, या तो वीडियो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा नहीं तो आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पूरे सेशन में मैंने जो भी बात ऐसे बोली से आपको दिल दुखा उसके लिए अपॉलॉजीज, आप बता सकते हैं, यू मे क्लेम द प्राइस एज़ वेल। दोस्तों यही था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, थोड़ी देर में इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलता हूं आपसे यूट्यूब में 11 बजे और अभी 9 बजे तो ऐप में मिलूंगा, ठीक है, बाय बाय, रेडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।